साथियों नमस्कार। सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी की, और ये वैकेंसी ये मान के चलिए कि इतनी बढ़िया वैकेंसी है कि सीधी 10th पास पे है। जिस भी स्टूडेंट ने 10th जो है अच्छे परसेंटेज से की हुई है और वो चाहता है कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब मेरी लगे, चाहे कोई सी भी लगे, तो इस वैकेंसी में हम लोग यही बात करेंगे कि ये वैकेंसी है कौन सी। ठीक है साथियों, तो साथियों ये वैकेंसी आप लोगों के लिए जिस भी स्टूडेंट की अच्छी परसेंटेज है और वो गवर्नमेंट जॉब चाहता है उसके लिए वैकेंसी बहुत बढ़िया है। और ये वैकेंसी कैसे कैसे इसकी चयन प्रक्रिया है, इसके कितने पद किस राज्य में आएंगे, इस प्रकार से मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा। साथियों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इस गुरु को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए। साथियों देखते हैं क्या है इस वैकेंसी का मामला। यह है भारतीय डाक विभाग में ये वैकेंसी है। साथियों भारतीय डाक विभाग में ये वैकेंसी आई हुई है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। साथियों फिर आगे बात करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी भर्ती है 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट की। भारतीय डाक विभाग में इतनी बड़ी भर्ती मतलब साथियों भारतीय डाक विभाग में तो आई नहीं है ये मान के चलिए। अभी जल्दी से ये वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ये वैकेंसी में जो पद होंगे एक BPM के होंगे, यानी कि भारतीय पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के पद होंगे, एक डाक सेवक के पद होंगे। साथियों ये तीन प्रकार के पद हैं। इन तीनों प्रकार के पदों में कहीं भी आप जहां भी स्टे करते हो 10th पास पे ये भर्ती है। साथियों अब देखिएगा वेतन क्या क्या हो सकता है, यानी कि BPM में 12,000 वेतन हो सकता है और ABPM में 10,000 और डाक सेवक में जो है 10,000 वेतन होगा, और जो पदों की संख्या है वो 30,000 प्लस पद रहेंगे। साथियों इसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको जानकारी इसकी लेनी चाहिए, और पूरी की पूरी जानकारी जब आपके पास हो और आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए योग्यता रखते हो, तो निश्चित रूप से इसमें फॉर्म डालना चाहिए। साथियों इसकी जो योग्यता है मैंने आपको पहले बता दिया है, 10th पास इसकी योग्यता है। परसेंटेज बेस पे इसके फॉर्म डलेंगे और परसेंटेज बेस पे ही इस वैकेंसी में चयन होगा। देखिए फॉर्म की जो तिथि है साथियों 28 जुलाई या 29 जुलाई से इसके फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इसकी डेट आने वाली ही है। आप निश्चित हो जाइए, डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से ये वैकेंसी आएगी, यानी कि 28 तारीख को इस वैकेंसी के फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 12 अगस्त रखी गई है, अभी यही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों ये 28 जुलाई इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जैसा कहता है कि 28 जुलाई से फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे, और अंतिम तिथि जो फॉर्म डलने की है वो 12 अगस्त रखी गई है। अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा क्या है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट जो भी 10th पास हैं वो सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन यही है कि कितनी उम्र के इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो हर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर मैं इतनी उम्र का हूं, मैं क्या फॉर्म डाल सकता हूं क्या, तो 18 से 40 वर्ष तक की उम्र ये इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। छूट जो है इसमें 5 साल तक की ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। ST SC OBC इनमें जो भी कैटेगरीज वाइज जो भी छूट मिलती है वो साथियों सबको छूट इसमें मिलने वाली है। मैंने आपको पहले बता दिया इसमें जो चयन होगा वो सीधी भर्ती से होगा, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट में जो परसेंटेज होगी, यानी कि जितने भी फॉर्म जाएंगे उसमें जो भी सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले होंगे स्टूडेंट, उनका चयन पोस्ट के आधार पर, उसके कैटेगरी के आधार पर इसमें चयन कर लिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल इसमें चयन अपने करवाते हैं और वो जॉब करते रहते हैं, और जॉब करते करते साथियों वो अदर जॉब में भी चले जाते हैं, लेकिन उनके पास एक जॉब होती है अर्थात 10th भर्ती के माध्यम से या 10th क्लास के माध्यम से वो जॉब प्राप्त
कर लेते हैं, एक बहुत कम उम्र में जॉब प्राप्त कर लेते हैं साथियों। तो इसलिए अगर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज है और आप चाहते हो कि मेरी भी जॉब लगे, अर्थात मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म डालिए। मैं ये कहता हूं कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा अगर आपके परसेंटेज अच्छी है 10th में। तो आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। देखो एससी एसटी और वुमेन के लिए तो इसमें 0 आवेदन शुल्क है, यानी कि एसटी एससी और जो वुमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए बिल्कुल 0 है, यानी कि वो 100% इसमें फॉर्म डाल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं इसमें फॉर्म नहीं डाल सकती, फॉर्म सब डाल सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी उनकी कैटेगरीज के वाइज इसमें परसेंटेज से जो है मेरिट बनेगी, इसलिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि आप महिलाएं भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं साथियों। तो एसटीएससी और जो महिलाएं हैं उनके लिए, जो फीमेल हैं उनके लिए कोई भी फीस या कोई भी फीस चार्ज इसमें नहीं है, और जनरल और ओबीसी के लिए इसमें जो फीस है फॉर्म भरने की वो 100 रुपीज है साथियों। कितने रुपए हैं? 100 रुपीज है इसमें साथियों। अब बात करते हैं राज्य अनुसार पद कितने हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, राज्य में यानी कि राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान में साथियों इसके 3,000 पद आ रहे हैं कम से कम। इसके बाद में यूपी है, यूपी के अंदर साथियों 6,000 पद इसमें हैं। कितने पद हैं यूपी के अंदर? 6,000 पद। महाराष्ट्र में साथियों इसमें 2,000 पद हैं। इसके बाद में एमपी के अंदर जो है, एमपी के अंदर 3,000 पद हैं। इस तरह से साथियों ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, इस तरह से इसमें पदों का डिवाइडेशन किया गया है। आप निश्चित हो जाइए और निश्चित रूप से इस वैकेंसी में फॉर्म डालिए। जो इसमें पद हैं वो बीपीएम के हैं, भारतीय पोस्ट मास्टर के हैं, और असिस्टेंट भारतीय पोस्ट मास्टर के हैं, और एक डाक सेवक के हैं। डाक सेवक वो जो डाक बांटते हैं ना, वो डाक सेवक होते हैं, और जो भारतीय पोस्ट मास्टर होते हैं वो उसी स्टेशन पर रहते हैं, अर्थात वहां पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है उनके हाथ में होता है। एक असिस्टेंट भारतीय पोस्ट मास्टर होता है यानी कि जो उससे नीचे कभी ये एब्सेंट होता है तो पूरा पद इसके हाथ में होता है और यही उसको संभालता है साथियों। तो ये सारे के सारे पद हैं, लेकिन आप ये मत मानिएगा कि इसमें जो है वेतन कम है। वेतन कम नहीं है, ये शुरुआती वेतन है। फिर धीरे 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 जैसे आपका प्रोफेशनल पीरियड जाने की 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद में ये वेतन बढ़ जाता है साथियों। तो धीरे धीरे वेतन इसमें बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट के पद हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी आप बनोगे साथियों। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो निश्चित रूप से आप फॉर्म डालिए और अपना चयन सुनिश्चित कीजिए साथियों। उम्र सीमा मैंने आपको बता दी है 18 से 40 वर्ष रहेगी, बाकी कैटेगरीज वाइज में छूट है एसटी एसटी ओबीसी के लिए। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है, सीधी भर्ती है, 10th की मार्कशीट के आधार पर इसमें चयन होगा। जितने आपके परसेंटेज होगी, अगर आप जो मेरिट निकलती है उस मेरिट में अगर आप आते हो तो निश्चित रूप से साथियों आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें और कोई भी लफड़ा नहीं है कि एग्जाम देना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है साथियों। और ये हर साल क्या, हर साल में 2 बार ये वैकेंसी आ जाती है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, देखिए थोड़ा सा प्रेशर इस जॉब में होता है क्योंकि बहुत भीड़ लगती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन साथियों मैं आपसे कहूंगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की नीड है और आपके 10th में अच्छी परसेंटेज है तो निश्चित रूप से आप इस वैकेंसी में फॉर्म डालना मत भूलिएगा साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो साथियों निश्चित रूप से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।